बताया कुछ ऐसा गया है कि व्यक्ति की असली शक्ति उसके छोड़ने में है। जिन्होंने महान कुछ किया है उसने बहुत ज्यादा चीजें छोड़ी है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का गॉड माना जाता है। उसने छोटी सी उम्र में खेलना स्टार्ट किया जब लोग इंजॉय कर रहे थे, जब स्टूडेंट लड़कियों के पीछे भाग रहे थे, जब स्टूडेंट अपनी मौज मस्ती कर रहे थे, जब तफरी कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे और बहुत सारी चीजें से इंजॉय कर रहे थे। पर उस टाइम सचिन तेंदुलकर ने अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू किया। उसने बहुत सारी जो यंग लड़कों की लाइफ में जो चीजें मिलती थी उनको, वो फॉर्म ऑफ एंजॉयमेंट हो सकता है, वो मौज मस्ती हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है, बट उसने अपनी लाइफ में ये सारी चीजों को छोड़ा और छोड़ने के बाद जो चीज मिला वो चीज उसको एक मुकाम तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वो चीज उसको बहुत महान बना गई और इसीलिए वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ में एक प्रगति और एक महान एक फिनोमिनल सक्सेस पाया है तो उसके पीछे कारण क्या है कि उस व्यक्ति की असली शक्ति चीजों को छोड़ने में था। अगर आपको अच्छा सेहत चाहिए तो शायद आपको जंक फूड छोड़ना पड़ेगा, शायद सर अरविंद मॉर्निंग उठ के साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो जो आप अपनी नींद का त्याग कर रहे हो, जो अनवांटेड चीजें छोड़ने जा रहे हो आप, ये तो आज की डेट में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज लोग अपना लाइफस्टाइल ही बदलना चाहते हैं और जो उनके टेस्ट और जो उनकी टाइम को चाहिए वो छोड़ नहीं सकते। और जो आदमी इन चीजों को छोड़ता है उसको अच्छा सेहत मिल जाता है, उसी आदमी को अच्छा हेल्थ मिल जाता है, वही आदमी से अपनी लाइफ में प्रगति कर लेता है। तो बताया गया कि व्यक्ति की असली शक्ति पाने में नहीं, व्यक्ति की असली शक्ति छोड़ने में है। लोगों ने छोड़ा और प्राप्त किया। कालिदास जो एक अज्ञानता में जी रहे थे, मूर्खता इतनी ज्यादा था कि वो किसी पेड़ की टहनी में बैठते थे तो पीछे से ही उस टहनी को काट देते थे। उनको ये भी समझ नहीं आता था कि टहनी को काट रहा हूं तो मैं ही इससे गिर जाऊंगा, नीचे मुझे चोट लगेगी। इतने मूर्ख और इतने अज्ञान माने जाते थे। और उसी व्यक्ति ने अपनी अज्ञानता को छोड़ा और उसके बाद बहुत बड़ा विद्वान बना। वाल्मीकि जी रामायण की तरह कहता है, उन्होंने अपनी लाइफ में वो रामायण लिखने से पहले तो वो चोरी मारी डाकू ये सारी चीजें करते थे, पर बाद में वो रामायण के रचयिता बने। चाहे इस युग में हो या आने वाले युग में हो, जो भी आदमी अपनी लाइफ का अगर बड़ा बना है तो उसने चीजों को छोड़ा है। अगर आप चाहते हो कि एक अलग लेवल पे जाए, आपका एक नाम हो एक मुकाम हो, तो आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और व्यक्ति की असली शक्ति छोड़ने में है। वो आपकी मौज मस्ती हो सकती है, आज के युग में आपके मोबाइल हो सकते हैं कि जो घंटों आप मोबाइल में बैठे रहते हो, तो गॉसिप करते हो, लड़कियों के पीछे भागते हो, गालियां देते हो, और वही लोग हैं जो चीज आपको पसंद आती है वो चीज वो नहीं करते, जिसकी वजह से वो एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं। आजकल एक लड़का बहुत फेमस हो रहा है क्रिकेट के अंदर, स्पेशली मैं बात करूं जायसवाल जिसका नाम है, जब उसके बारे में अगर आपको पता लगा तो उसने अपना घर छोड़ा क्रिकेट खेलने के लिए, फिर उसने गोलगप्पे बेचे, उसी ग्राउंड में रहा तो उसने अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ा और आज वो लड़का बहुत बड़े लेवल पे भी। रिसेंटली अभी वेस्ट इंडीज के साथ मैच हुआ, टेस्ट में भी 100 मारा। अगर आप चीजें छोड़ने के लिए तैयार हो तो कहीं में महान भी बन सकते हैं। आप लोगों को जरूरत है चीजें छोड़ने की, इसमें भी योर कंफर्टेबल जोन, इसमें भी आपके हैबिट्स, इसमें भी आपका टेस्ट, इसमें भी योर लाइफस्टाइल, इसमें भी जो अनवांटेड चीजें जिन चीजों की आज हमको शायद जरूरत नहीं और उन चीजों को हम बेफजूल पाले जा रहे हैं, उस पर टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। ये जो आदत है, ये आदत हम लोगों की बनती जा रही है और जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये आदतें पनपती क्यों है? सिगरेट पीने वाले को तुरंत कोई हार्म नहीं होगा, आज मैंने सिगरेट पी और शाम को मुझे हार्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी दारू पीने वाले को कभी भी उल्टियां उसी टाइम नहीं होती। किसी ने गलत देखा तो उसकी आंखें फूट गई, ऐसा कभी नहीं होता। किसी ने किसी को गालियां दी तो वो उसका मुंह टेढ़ा नहीं हो जाता, उसकी जीभ भी कट जाती। तो जो भी हम सिन करते हैं, पाप करते हैं या बुरी आदतें करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो इमीडिएटली नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप लोगों को वो आदतें पनपती है, वो लाइफ लॉन्ग आपकी आदतें बनती है, जिसकी वजह से उसी जगह में आदमी डूब जाता है। कितने लोग दारू की वजह से घर के घर पर बिगड़े पड़े हैं, कितने आज स्टूडेंट है जो आए अपने घर से पढ़ाई करने के लिए पर पूरे पूरे दिन मोबाइल में रहते हैं, वो स्क्रोलिंग करते रहते हैं, इंस्टा पे है, फेसबुक पे है, पबजी खेल रहे हैं, नंबर ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, अगर डिक्शनरी कुछ करें तो इट्स गुड,
अगर कोई चीज अगर छोड़ नहीं सकते आप लोग, तो पाने की इच्छा बिल्कुल मत करना। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्यक्ति की असली शक्ति छोड़ने में है, पाने में नहीं है। रात का खाना छोड़ के देखिए आप, 6 से 7 हफ्तों के बाद देखिए आप अपने आप को बहुत फिट मानोगे। आप देखोगे कि आपकी सेहत में चेंज हो रही है। 50-60% आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी डिजोल्व होने वो ब्लीव नहीं अगर आपने रात का खाना छोड़ा। अभी बहुत सारी आदतें जिस आदतों की वजह से आज आप सफर कर रहे हैं, उन आदतों को छोड़ के देखिए आप लोगों को उसके रिटर्न बहुत जल्दी और बहुत अच्छे मिलेंगे। सो प्लीज ये बात हमेशा याद रखना है, अगर किसी मुकाम में चाहते हो, बड़ा बनना चाहता है, तो व्यक्ति की असली शक्ति छोड़ने में है, पाड़ने में नहीं है। छोड़ो चीजों को और आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े लेवल पे जा सकते हो। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप अपना अपनी अज्ञानता छोड़े, बड़ा रहे। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप ये मोबाइल छोड़े, अपनी लाइफ में बड़ा करें। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप अपना कंफर्टेबल जोन छोड़े और लाइफ में एक मुकाम पाए। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप वो चीजें ना करें जो चीजें आज आपको बेनिफिट दे रही है, भविष्य में नुकसान दे रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज की वो चीजें छोड़ो जिससे आपका भविष्य बेटर हो। और मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप हमारी सोसाइटी को, हमारे इंडिया को कंट्रीब्यूट करें। बट वो कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। रातों की नींद, लाइफस्टाइल, आपका जंक फूड, शायद मोबाइल में बहुत सारा टाइम वेस्ट करना, लड़कियों के पीछे जाना, बेबुनियाद एक दूसरे की टांग खींचते रहना, सिर्फ एक दूसरे के बारे में डिस्कस करना, ये बहुत सारे अनवांटेड चीजें हैं जिन चीजों का कुछ भी मतलब नहीं है और जिसकी वजह से आप रुके पड़े हो। ये वीडियो आपके लिए लाने का यही मतलब था कि चीजों को छोड़ो, आप हमेशा पाओगे चीजों को और अपना करियर पालोगे। यहीं पे खत्म करता हूँ। ये वीडियो से अगर कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो जरूर लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने लाइफ में इसको अपना के कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, नमस्ते।